जाते समय पूर्व चेयरमैन व बेटे की सड़क हादसे में मौत। होटल कॉलेज व सीमेंट के कारोबारी रमेश चंद व बेटे रूपेंद्र की तिमरुआ के पास सड़क हादसे में मृत्यु। कोऑपरेटिव बैंक मथुरा के पूर्व चेयरमैन अपने बेटे के साथ कार सजा रहे था लखनऊ सैफई हवाई पट्टी चौकी के पास डिवाइडर एसई टकराई कार हादसे में बाप बेटे की दर्दनाक मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला उत्तर प्रदेश मथुरा के थाना मगोर्रा अंतर्गत गांव मगोर्रा का है। यहां तिमरुआ के पास हुआ हादसा मथुरा के मगोर्रा निवासी कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रमेश चंद चौधरी उम्र करीब 60 वर्ष गुरुवार की सुबह अपने पुत्र रूपेंद्र सिंह चौधरी उम्र करीब 31 वर्ष के साथ कार से लखनऊ जा रहे था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तिमरुआ के पास चैनल नंबर 108 पर बारिश के दौरान अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर करीब 100 मीटर दूर तक रगड़ने के बाद पलट गई। एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना के बाद वाहनों की रफ्तार थम सी गई और आसपास गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उनकी सूचना पर यूपीड़ा कर्मी और पुलिस भी आ गई। कार को रमेश चंद चला रहे था जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कार सवार रूपेंद्र सिंह गंभीर रूप एसआई घायल हो गए। यूपीड़ा की एम्बुलेंस एसआई उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। इस सूचना को पाकर परिवार में कोहराम मच गया और पूरा गांव मातम में बदल गया। रमेश चंद होटल कॉलेज और सीमेंट के कारोबारी था हादसे में मारे गए। रमेश चंद के तीन पुत्रों में मझले बेटे रूपेंद्र सिंह का होटल कॉलेज सीमेंट का कारोबार है। रूपेंद्र कोऑपरेटिव बैंक मथुरा में वाइस चेयरमैन था। कॉलेज के काम एसआई पिता के साथ लखनऊ जा रहे था। अचानक घटना घटी और स्थिति मौत में बदल गई। क्या पता था कि वापस घर लौटना होगा या नहीं। इस हादसे एसआई पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार शाम करीब 7:15 पर उनके पैतृक गांव मगोर्रा लाया गया जहां पर मुखाग्नि उनके पुत्र पुष्पेंद्र ने दी। इस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस संकट की घड़ी में पूरा गांव व गांव की समस्त सरदारी मौजूद रही।